Hey guys, welcome back to my channel once again. So I don't know, मैं ऐसे क्यों शूट कर रही हूँ, बट मैं शूट कर रही हूँ. और टाइम 2:25 हो चुके हैं. यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, आई नो, तो 2:25 हो चुके हैं. और मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं साइकिल चलाने जाऊँ. आई डोंट नो. और कल मैं जाऊँगी साइकिल चलाने सुबह सुबह इंडिया गेट साइकिल से, इसलिए मैं ये रात में शूट कर रही हूँ. एंड हाँ, मैं करती हूँ और मैं करूँगी. उठ जाऊँगी यार, उठना मैं उठूँगी नहीं उठूँगी, बट आई विल ट्राई कि मैं उठ जाऊँ सुबह. सो अगर बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह. यार कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सुबह कहीं जाना और नींद ही नहीं आ रही? मतलब नींद ऐसा है ना कि उड़ सी गई हो, आँखों में लग रहा है कि नींद आएगी, हम सोएंगे, बट जैसे लेट रहे नींद ही नहीं आ रही. सुबह जाना है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार फाइनली मैं जाऊँगी. बहुत टाइम में सोच रही थी कि मैं जाऊँ, बट वो कैंसिल हो रहा था, मैं नहीं जाती. बट फाइनली मैंने सोचा कि मैं कल जाऊँगी, तो मुझे भी नींद ही नहीं आ रही है. एंड आई डोंट नो कि मैं सुबह उठूँगी कि नहीं उठूँगी. अगर उठ गई तो व्लॉग आ जाएगा, और अगर नहीं उठी तो आने का मतलब ही नहीं है. हाय साहब. अब अंधेरा देख रहे हो, अंधेरा कितना ज़्यादा अंधेरा है. मुझे इतना डर लग रहा था, इतना सुनसान हो गया था भाई साहब. मतलब बिल्कुल एक दो लोग दिख रहे थे. उसके बाद जब थोड़ी रोशनी आई तो मुझे अच्छा लगा. और मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया था, मिस्टर प्रथम, और ये रहा. तो चलो आगे चलते हैं. तो अब हम पहुँचे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, इतने टाइम बाद हमने साइकिल चलाई थी. और मौसम तो ऐसा हो रहा था कि बारिश हो जाएगी. फिर भी हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा होप दी और हम इंडिया गेट तक गए. हमने ये सोच रखा था कि चाहे बारिश हो जाए, चाहे धूप आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हम इंडिया गेट पहुँच के रहेंगे साइकिल में. तो हम चले गए आगे अपने रास्ते पे. और थोड़ी देर बाद ही पानी की छोटी छोटी हल्की हल्की बूंद हमारे ऊपर आने लगी, जिससे हमें पता चल गया कि आज तो बारिश आके ही रहेगी. देन हम जब थोड़ा आगे गए तो हमने यहाँ चेक किया कि यहाँ पे तो अंधेरा हो रखा है, यहाँ पे रोशनी हुई नहीं, बिकॉज हमें बहुत सारे ट्री हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा था. और थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, और उसके बाद जब बारिश हुई हम पूरे गील हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ छुपने के लिए था ही नहीं जहाँ पर हम बच पाएँ. और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और इतनी तेज़ बारिश में फिर रुकना बेकार ही था. तो हमने सोचा कि भीगते भीगते ही चलते हैं. हम बार बार लोकेशन चेक कर रहे थे कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं था. हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे साइकिल से, और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट हम हाँ हाफ एन आवर में इंडिया गेट पहुँच गए थे बाई साइकिल. अब वो साइकिल चलाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ चला रहा है, किस वे में चला रहा है और कैसे जा रहा है. और वहाँ पर हमें बहुत सारे लोग भी मिले जो साइकिलिंग कर रहे थे इतनी बारिश में ही. तो मतलब मज़ा आया बहुत ज़्यादा. आपको भी जाना चाहिए सुबह सुबह उठ के, मज़ा आता है. और अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त हो कि जब आप उसे बुलाओ तब चले जाए मुँह उठा के, तो ऐसे दोस्तों को ज़रूर सुबह लेके जाना चाहिए. और ऐसे दोस्तों को जो 12 बजे उठते हैं, जिन्हें उठना ही नहीं होता, उन्हें सुबह ज़रूर लेके जाओ, जिन्हें पता चले कि क्या है मॉर्निंग का व्यू. सो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए इंडिया गेट. ये रहा सामने इंडिया गेट का व्यू, एंड इट वॉज रियली नाइस एंड फैब. मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो मॉर्निंग का व्यू देख के इंडिया गेट का.
और देखते देखते हमने यह देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शूटिंग करने भी आए हुए हैं। कोई अपना न्यूज़ रिपोर्टिंग की शॉट्स ले रहा है, तो कोई व्लॉग बना रहा है, तो कोई वीडियोस बना रहा है, और हम भी यहाँ वीडियोस बनाने आए थे। और इस रोड पे जहाँ हम घूम रहे हैं, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स घूम रहे थे, वो मना कर रहे थे रोड पर घूम रहे थे। बट वही है ना, ढीठ बच्चे जिन्हें सुनना नहीं होता, उन्हें वही काम करना होता है जो काम करने के लिए उन्हें मना किया होता है। तो एग्जैक्टली हम वही काम कर रहे थे। वो दो बार हमें टोक के गए, उसके बाद हम यहाँ से गए।